teachers and my dear friends, a marvelous morning to one and all present here. This is Harman from class plus 2, standing before you to present school morning assembly on very special occasion of Mother's Day. Let us thank our mother for their contribution. Let us thank our first teacher. Let us thank the symbol of true affection and care. Now, I would like to invite Navjot on the stage to express her views on mothers. ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿਮਰਨ ਮੈਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। कहते दुनिया विच सुख सदर शांति ताए क्योंकि सबना कोल अमूली मां है। एक बार अपनी अपनी मां दे लई सारे ताले लगा दो जी प्लीज। सो मां एक अजिहा शब्द है जो हर एक इंसान दे जिंदगी विच बहुत वड्डा रोल अदा करती है। पर बहुत बार असी ये चीज देखते हैं कि आज की जिहड़ी जनरेशन है या आज के जिहड़े बच्चे बहुत अपने मां दे नाल अपने पेरेंट्स दे नाल गलत व्यवहार करते हैं। सो उन्होंने पूछो जिन्हां दे कोल उन्हां दी मां नहीं है। असी नॉर्मली हर मदर्स डे उत्ते सैलीब्रेट करते हैं अपनी मां दे बारे दसते हैं। सो अज एक गीत द्वारा मैं तुहानू उन्हां फीलिंग्स बारे जाणू करवावांगा उस बच्चियां दी जिन्हां दी मां उन्हां तों विछोड़ा लै जांदी है। सो एक गीत तुहाडे वास्ते ते संगीत का ज़्यादा मचा हुआ लगे। तैनू ही ए तारे किन्ने सारे आ जो वक्त तो पहला मारिया मैं सुनिया बनते तारे आ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਤਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇਰਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਸ਼ੌਲ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਓੜਨਾ ਏ ਮੈਂ ਓ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਏ ਮੈਂ छात्रा हूँ। मैं आपके सामने आज एक कविता पेश करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी कविता बहुत पसंद आएगी। जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था।
उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके स्तन की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा, हमको जी भर के प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आँख का तारा कहती है। हर सूखा खा लेती है, पानी पीकर सो जाती है, जो माँ जैसी देवी घर के मंदिर में नहीं रख सकती है, वो लाखों पुण्य भले कर ले इंसान नहीं। मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग तानू इन्ना भी नहीं पता।
अच्छा अच्छा पेरेंट्स मीटिंग ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਿਆਪਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਦੇਸੀ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਸਕੂਲ ਚ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਮੁਸਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ यार मैं तो बड़ी भूख लगी है मम्मा गए ने कुछ लैन मार्केट चो एक मिनट किसी का फोन आया मम्मी का फोन हम की चाचा पै गया इन्हें हेलो हेलो हाँ जी हाँ मैं हेलो हाँ जी हाँ मेनू फोन मिलिया लास्ट डायल नंबर थोड़ा का टीएमसी चौक कोल एक्सीडेंट होया ते मेनू लगदा सी इज डेड पुत की होया पुत की होया रो के रही हां पुत मेरा फोन चोरी हो गया की होया दस दे सही पुत नहीं मेरा हाँ जी पुत मैं ठीक हाँ क्यों पुत नहीं खड़ी हो ना पुत ना पुत ना पुत रविवार ही होता कोई काम नहीं सानू इस तो ये सिक्ख्या मिलती है कि अगर साड़ी मां साड़े कोल आ तो सानू अहमियत उन्हां दी पता होनी चाहिदी आ अगर साड़ी मां साड़े तो एक बार चली गई कोई चीज बाकी मिल जाऊगी पर साड़ी मां एक बार चली गई सानू वापस नहीं मिलनी धन्यवाद नमस्ते जी शर्मा कहते हैं ओ नमस्ते मेरा नाम श्रद्धा है मैं बस 7-8 दिन के लिए यहाँ रहने आई बेटा घर की शिफ्टिंग कर रहा ना तो ध्यान रखने के लिए कोई नहीं अच्छा तो क्या करता है आपका बेटा बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है अरे जरा फोन से लगा के पूछ लो क्या क्या कर रहा है हेलो हेलो हाँ बेटा मां मैं मीटिंग में बिजी हूँ जरा रुक कर फोन करता हूँ बेटा बस यही पूछना था कि तूने खाना खा लिया या नहीं मैंने कहा ना मीटिंग में बिजी हूँ जरा रुक कर फोन करता हूँ तो क्या कहा आपके बेटे ने थोड़ी देर में फोन करता हूँ कह कर रख दिया उसने सालों से हूँ यहाँ जितनी जल्दी आप इस जगह को पहचान लेगी आपके लिए ही अच्छा है मेरा बेटा वैसा नहीं है पता है जो इस वृद्ध आश्रम में एक बार आता है वो जल्दी वापस नहीं जाता नहीं मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ वो अभी मुझे यहाँ से ले जाएगा हेलो बेटा हेलो बेटा तो मुझे अभी यहाँ से ले जा माँ काम का प्रेशर काफी ज्यादा है मैं कह रहा था कि अगर कुछ दिन और एडजस्ट कर लो तो क्या हुआ मेरी तबीयत सेट नहीं लग रही है एक काम कीजिए मेरे बेटे की फोटो ले आइए पता नहीं क्यों छोड़ जाते हैं माँ बाप को मरने के लिए एक गया नहीं दूसरा आ गया अरे नहीं भाई साहब मैं यहाँ थोड़े दिनों के लिए ही हूँ 7-1 दिन में मेरा बेटा आएगा और मुझे ले जाएगा धन्यवाद First of all, I would like to discuss today event, Mother Day, and appreciate to all the house in charge, especially Shivali ma'am house is going on, and second, all the participants, please come forward, beta.
प्लीज कम फॉरवर्ड। स्पेशली ये छोटी सी माँ, कम 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 फॉरवर्ड। और आई अप्रिशिएट ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ एक्ट, दे एक्ट वेरी वेल। इन्होंने आज जो एक्ट करा है बहुत अच्छा करा है। एंड वन मोर थिंग कि बहुत शॉर्ट टाइम में आई थिंक ये तैयार करा है, सो देयर इज ह्यूज क्लैप फॉर देम। एंड सेकेंड थिंग, आई अप्रिशिएट टू ऑल द डांसर्स जिन्होंने परफॉर्म करा है। आई अप्रिशिएट टू सुखदेव जी, कहां के चले गए, दे परफॉर्म वेरी वेल, बहुत अच्छा। उनके लिए भी हमें क्लैप करना चाहिए, केजी और स्प्रिंग नर्सरी के बच्चों के लिए भी। यस, एंड अप्रिशिएट ऑल द टीचर्स जिन्होंने इस एक्ट में पार्टिसिपेट करा या एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए एडजस्टमेंट लगाई। टूडे वी सेलिब्रेट है मदर डे। मदर डे के बारे में सिर्फ दो लाइन्स आपसे बात करूंगा। मदर से कैसी औरत को बोला जाता है या कैसी क्वालिटी को बोला जाता है, जिनके पास अगर कोई एजुकेशन ना भी हो, दे हैव अ मैनेजमेंट स्किल, दे हैव अ लीडरशिप स्किल, उनके पास पता नहीं ऐसी कितनी स्किल्स होती हैं जो बिना पैसों के साथ में वो आपके साथ काम करती है 24 आवर्स। आप जब भी घर जाते हो तो आपको अगर भूख लगी है तो माता या आपकी मदर्स कभी नहीं बोलती कि मैं आपके लिए खाना नहीं बना सकती। आपने अर्ली मॉर्निंग कहा जाना हो तो आपकी मदर्स कभी नहीं बोलती कि मैं बिजी हूं, मैं आपके लिए काम नहीं कर सकती। सो एक मदर या माँ वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो आई थिंक कि हम सबके साथ में, जितने भी ह्यूमन बींग हैं, उन सबके साथ रिलेट करता है।